भोजन नली यानी कि ईसोफेगस के कैंसर के अर्ली वार्निंग सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या है वो सिम्टम जिससे हम पता कर सकते हैं कि बॉडी में ईसोफेगस यानी कि भोजन नलिका का कैंसर बढ़ रहा है? नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स, ट्यूमर्स एंड अदर कंडीशन और उसकी लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे भोजन नलिका यानी कि अन्न नलिका मतलब ईसोफेगस के कैंसर के बारे में और पर्टिकुलरली इस कैंसर के अर्ली वार्निंग सिम्टम्स के बारे में। क्या है वो साइंस और सिम्टम जो पहले ही दर्शा सकते हैं कि बॉडी में अन्न नलिका में कैंसर बढ़ रहा है? दोस्तों, कैंसर के बारे में एक चीज हम सबको पता है कि कैंसर को जितने अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए, जितने अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए, उसकी ट्रीटमेंट और उसके सक्सेस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। तो ये GI यानी कि गैस्ट्रो रिलेटेड कैंसर्स के बारे में भी लागू होता है। तो अन्न नलिका का कैंसर जब पहले या दूसरे स्टेज में डिटेक्ट किया जाता है तो इसके ट्रीटमेंट के और उस ट्रीटमेंट के सक्सेस के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अर्ली वार्निंग सिम्टम्स को जाने और पहचाने ताकि अगर हम में से किसी को ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो गैस्ट्रो या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाके जल्द से जल्द इसे चेकआउट किया जा सके। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या सिम्टम्स होते हैं। तो जब ईसोफेगस यानी कि अन्न नलिका में कोई ट्यूमर बन रहा होता है और उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो ये रास्ते को धीरे 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 सिकुड़ता जाता है और रास्ते में रुकावट लाता है। तो खाया जाने वाला खाना अटकता है। तो ये होता है सबसे पहला अर्ली वार्निंग सिम्टम। खाना खाते वक्त खाना अटकना या निगलते वक्त खाना नीचे पास नहीं हो रहा है ऐसा सेंसेशन, दैट इज डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, जिसे इंग्लिश में हम डिसफेजिया के नाम से भी जानते हैं। अगर डिसफेजिया 2 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है तो ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग सिम्टम है और इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ के साथ अगर खाना अटक रहा है तो जब आदमी कफ करता है तो ये खाना ऊपर आ सकता है, जिसे हम रिगर्जिटेशन कहते हैं। तो अनडाइजेस्टेड यानी कि खाया हुआ खाना जैसे के तैसे बाहर आ जाना, ये ईसोफेजियल कैंसर का दूसरा वार्निंग सिम्टम है, जो है रिगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब अगर आदमी खाना नहीं खा पा रहा है, जो खाया हुआ खाना नीचे तक जा नहीं पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि न्यूट्रिशन सफर होगा। जो खाना खाना चाहिए वो अगर बॉडी को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है तो बॉडी का वेट धीरे धीरे कम हो जाता है। तो वेट लॉस ये ईसोफेगल कैंसर का थर्ड वार्निंग सिम्टम है। इसके साथ साथ कभी कभी जो ट्यूमर बढ़ रहा है, इस ट्यूमर में से ब्लीडिंग भी हो सकती है और ये ब्लीडिंग या तो वॉमिटिंग के रूप से बाहर आ सकती है, जो वॉमिट में हम ब्लड देख सकते हैं, या कभी कभी ब्राउन या ब्लैकिश कलर का वॉमिट होना, ये ईसोफेगस कैंसर का फोर्थ वार्निंग सिम्टम। और कभी कभी ये ब्लड अगर इंटेस्टिन के रास्ते से मल के रास्ते से यानी कि स्टूल में अगर बाहर आता है तो ब्लैक कलर का स्टूल होना, ये एक फिफ्थ वार्निंग सिम्टम है जो ईसोफेगस कैंसर में देखा जा सकता है। जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता जाता है तो ये आजू बाजू के स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर डाल सकता है, आजू बाजू के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे कि हमारा श्वास नलिका या फिर वो नर्व्स जो हमारे स्पीकिंग में काम करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सडनली वॉइस चेंज होना या होर्सनेस ऑफ वॉइस, ये एक और एक अर्ली वार्निंग सिम्टम है जो ईसोफेगस कैंसर में हो सकता है। इसके साथ साथ कंटिन्यूसली कफ होना या फिर ऐसी खांसी होना जो नॉर्मली कुछ समय के बाद में अपने आप ठीक ना हो रही हो, जैसे 2-3 हफ्ते से ज्यादा चलने वाली खांसी, ये भी एक अर्ली वार्निंग सिम्टम है जो ईसोफेजियल कैंसर में देखा जा सकता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अर्ली स्टेजेस में यूजुअली पेन नहीं कॉज करती, बट कभी कभी अगर ट्यूमर बढ़ता है तो उस स्ट्रेचिंग या उस ट्यूमर के होने से कुछ पेन एक्सपीरियंस हो सकता है। तो ईसोफेगस कैंसर में ये पेन जो है ये सीने के पीछे की तरफ यानी कि छाती के पीछे की तरफ या फिर पीठ में मिडल सेक्शन में ये एक्सपीरियंस हो सकता है। कभी कभी पेन पेशेंट्स बोलते हैं या फिर कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि पेट के ऊपर के तरफ जलन हो रही है, जिसे हम हार्टबर्न के नाम से भी जानते हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ द अर्ली वार्निंग सिम्टम। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम
दो हफ्ते से ज्यादा आपको हो रहा है तो इसका कॉज कुछ सीरियस हो सकता है, स्पेशली अगर एज 50 इयर्स से ज्यादा हो या फिर फैमिली में प्रीवियसली किसी को भी कोई भी टाइप के कैंसर की हिस्ट्री हो। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी सिम्टम है तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये किसी स्पेशलिस्ट से तुरंत जाके चेकआउट करें। चेकआउट के लिए इन्वेस्टिगेशंस अवेलेबल है जैसे कि एंडोस्कोपी, जैसे कि सीटी स्कैन, और ये इन्वेस्टिगेशन हमें क्लियरली बता सकते हैं कि इसोफेगस में कुछ ग्रोथ है या कुछ गांठ है, कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर ऐसा कुछ डिटेक्ट होता है तो इसका फर्दर ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये थे कुछ इसोफेगस कैंसर के अर्ली वार्निंग सिम्टम्स, जिसे कि आप सेव कर लीजिए। इसोफेगस कैंसर के बाकी ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। अगर इसोफेगस कैंसर के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई रिपोर्ट शेयर करने हैं, सलाह चाहिए, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे फोन पे भी रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।